हमने पढ़ा है कि ओम्स लॉ हमें करंट वोल्टेज और एक सर्किट के रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन बताता है ये हमें बताता है कि पॉइंट्स के बीच करंट का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो तो इसके जरिए फ्लो होने वाला करंट ज्यादा होगा और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो इसके जरिए फ्लो होने वाला करंट कम होगा ये रिज्यूम करते हुए कि बाकी के फैक्टर्स कॉन्स्टेंट हैं चलिए ओम्स लॉ को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं हमें इन सब चीजों की जरूरत होगी एक नाइक्रोम वायर एक वोल्ट मीटर एक एमीटर और बहुत ही कम वोल्टेज के तीन इलेक्ट्रिक सेल लगभग एक से डेढ़ वोल्ट की रेंज में सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं जिसका सोर्स सिर्फ एक सेल है ये नाइक्रोम वायर है जो रेजिस्टेंस भी है ये एमीटर है जो सीरीज में है ये वोल्ट मीटर है जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है और ये प्लग की है हम प्लग की को क्लोज करते हुए कुछ रीडिंग्स को नोट करते हैं हम एमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग को नोट करते हैं मान लीजिए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस I1 और V1 है दूसरे केस में सर्किट में दो सेल कनेक्ट करें और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को नोट करें भूलिएगा नहीं एमीटर नाइक्रोम वायर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बताता है और वोल्ट मीटर नाइक्रोम वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताता है चलिए इन रीडिंग्स को आई टू और वी टू मान लेते हैं इसी प्रोसीजर को रिपीट करें तीसरे केस के लिए जहां थ्री सेल्स को सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है आप देखेंगे कि जैसे जैसे सेल्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे करंट और वोल्टेज भी बढ़ते हैं लेकिन क्या वो प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं यह जानने के लिए हम राइट की ओर एक एडिशनल कॉलम जोड़ते हैं जो हर केस के लिए वी ओवर आई की वैल्यू को कैलकुलेट करता है आप देखेंगे कि हर एक केस में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो लगभग बराबर होगा यह हमें बताता है कि एक वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके जरिए फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रिलेशन को एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने वर्ष एटीन में खोजा था ध्यान दें कि यहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और हम यह भी एज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी कांस्टेंट हैं तो यह है ओम्स लॉ अगर वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यह भी है कि वी ओवर आई कांस्टेंट है यह कांस्टेंट और कुछ नहीं बल्कि आर या रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस क्या है यह एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कंडक्टर उसके जरिए फ्लो होने वाले चार्जेस को रेजिस्ट करता है यहां इस एक्सपेरिमेंट में यह कॉन्स्टेंट था वोल्टेज की ऐसा यूनिट वोल्ट है और करंट की एम्पियर है लेकिन रेजिस्टेंस की ऐसा SI यूनिट क्या है ये ओम है और यह इसे ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट है और इसके जरिए फ्लो होने वाला करंट वन एम्पेयर है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस वन ओम होगा अगले वीडियो में हम ओम्स लॉ को समझने के लिए एक और दिलचस्प एक्सपेरिमेंट देखेंगे